फाइनली हमारे पास आ चुका है पोको फोन F1, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पोको फोन F1 का अनबॉक्सिंग लाओ, रिव्यू लाओ, गेमिंग टेस्ट लाओ, ये वो बहुत सारा मेरे साथ वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे इस फोन को लेकर। तो फाइनली इस फोन को मैंने परचेस कर लिया हूँ, वो भी फर्स्ट सेल से। और इस फोन का जो वेरियंट है वो है 6GB 64GB रैम वाला वेरियंट, और इसको मैंने परचेस किया है सिर्फ और सिर्फ 20K में, 20,000 रुपए में मैंने इसको परचेस किया है। और वो मैंने कैसे परचेस किया है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो और रिव्यू वीडियो, तो इस वीडियो के साथ बने रही है। चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो चले इस अनबॉक्सिंग को इस डब्बे से स्टार्ट करते हैं। तो डब्बे को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस फोन का बिल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको परचेस किया सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में, जबकि इसका प्राइस है 21,000 रुपीज। और मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये फोन पसंद आ जाता है, आप अगर इस फोन को खरीदना चाहते इस वीडियो को देखने के बाद, तो मैं वीडियो के नीचे डायरेक्टली इसका फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली जाकर इसका परचेस कर सकते हो। और ये फोन मिलता है आपको हर वेडनेसडे को फ्लैश सेल में, और ये सेल स्टार्ट होता है हर 12 बजे, करेक्ट 12 बजे 12 नून को। तो आप डायरेक्टली मेरे लिंक से जाकर इस फोन को परचेस कर सकते। और रही बात 1,000 रुपए डिस्काउंट की जो मुझे मिला था पहले सेल में, तो वो जो डिस्काउंट था वो पहले सेल में ऑफर था सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक वालों के लिए। जिसके पास HDFC का कार्ड था उसको 1,000 रुपए ऑफ मिल रहा था, लेकिन नेक्स्ट सेल से आपको 1,000 नहीं 2,000 रुपए ऑफ मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो 21,000 का 10% आपको 2,100 रुपए होता है। तो आपके पास अगर कोई भी एक्सिस बैंक का बस क्रेडिट कार्ड हो या आपके फ्रेंड्स के पास हो, तो आप डायरेक्टली जाइए उस कार्ड का यूज करिए और इस फोन को खरीदिए। स्नैपड्रैगन 845 को खरीदिए सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। तो इस फोन के डब्बे के पीछे कुछ की फीचर लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो स्नैपड्रैगन 845, लिक्विड कूलिंग भी है इस फोन में, AI डुअल कैमरास है, 20 MP का फ्रंट कैमरा है, 4000 mAh का आपको यहाँ पर बैटरी मिलता है जो कि क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करता है। और हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 6GB 64GB, और जो कलर है वो है स्टील ब्लू। तो डब्बे को अनबॉक्स करते आपको सबसे ऊपर वाले बॉक्स में देखने को मिलता है कुछ पेपर वर्क, यहाँ पर आप देख सकते हो, और उसके अंदर आपको एक सिलिकॉन बेस्ड TPU कवर देखने को मिल जाता है। और आता है हमारा नेक्स्ट मेन थिंग, जैसे कि आप देख सकते हो पोको फोन F1, और यहाँ पर भी ऊपर भी आपको सारे की फीचर लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, मैंने इसको परचेस किया स्टील ब्लू कलर में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने जब सेल स्टार्ट हुआ था तो मेरे मन था कि मैंने ब्लैक को परचेस करना है, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक साथ को इस फोन को खरीदने की ट्राई किया है, उसको ब्लैक मिला और मेरे को ब्लू मिला। तो मैं पहले थोड़ा सा निराश था, लेकिन जब मैंने फोन को अनबॉक्स किया, उसने भी अनबॉक्स किया, इस ब्लू कलर को देखने के बाद मैं इतना खुश था, मतलब मेरे को लगा कि अच्छा ही हुआ कि ब्लैक परचेस नहीं किया मैंने। मतलब इस ब्लैक के सामने ये जो ब्लू कलर है ऑसम लगता है, क्योंकि इसका जो सामने वाला ब्लैक कलर है, ब्लैक डिस्प्ले है, और उसके साथ इसका जो पीछे वाला ब्लू कलर है ब्लैक के साथ, बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी ऑसम और काफी गॉर्जियस लुक आपको देता है। और उसी के साथ आप देख सकते हो कैमरा के साइड में आपको एक रेड रिंग देखने को मिलता है दोनों ही कैमरा में, जो कि आपको एक प्रोफेशनल लेवल की फीलिंग देखने को मिलता है। तो अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो USB-C टाइप आपको डाटा केबल देखने को मिलता है, और उसी के साथ आपको अंदर की तरफ आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है, और हमें जो एडाप्टर मिलता है वो सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 3.0 को। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि पोको वालों ने बॉक्स के अंदर ही क्विक चार्जर दे दिया, हमको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब चलिए फोन का ओवरव्यू करते हैं। तो फोन को आप जब पहली बार हाथ में लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये फीलिंग आएगा प्लास्टिक वाला फीलिंग, क्योंकि ये फोन बनाया गया है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। जो साइड है इसका फोन का वो पॉलीकार्बोनेट का, और पीछे वाला जो बैक कवर है वो टोटली प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन इसमें आपको दो फायदा भी देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को प्लास्टिक पसंद नहीं है, लेकिन इसमें आपको फायदा भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पीछे जो प्लास्टिक कवर होने की वजह से यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी देखने को नहीं मिलता, और दूसरा आपको इतना हीट भी नहीं होता जितना कि ग्लास और आपका जो मेटल बॉडी होता है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें फोन के सामने की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.18 इंचेस का आपको डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2246 पिक्सल। तो ये फुल HD प्लस आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो फोन की अगर डिस्प्ले की बात आई है, तो मैं बता दूं इसका जो डिस्प्ले है ये बहुत ही शार्प है और बहुत ही विविड कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर प्रोडक्शन बहुत ही ऑसम है, और ये रेडमी नोट 5 प्रो से बहुत ही ज्यादा ब्राइटन और बहुत ही ज्यादा शार्प है। इसका रेजोल्यूशन लगभग सेम है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ब्राइटन है कंपेयर टू रेडमी नोट 5 प्रो। तो डिस्प्ले के मामले की अगर बात करें, तो प्राइस रेंज के हिसाब से डिस्प्ले इसका ऑसम है, तो आपको डिस्प्ले को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और उसके बाद अगर बात करें डिस्प्ले के ऊपर के सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में आपको एक नॉच देखने को मिलता है, और मैं आपको बता दूं ये ऐसा वैसा नॉच नहीं है जो कि बहुत सारे कंपनी के फालतू में नॉच दे देता है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन इस फोन में दिखाने के लिए नॉच नहीं है। इस नॉच के अंदर आपको बहुत सारे हार्डवेयर देखने को मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर
आप देख सकते हो सबसे पहले मिलता है आपको इंफ्रारेड लेंस, इंफ्रारेड लाइटिंग, ईयरपीस, प्रॉक्सिमेटरी सेंसर और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका एपर्चर है f2.0। तो आपको इस नॉच के अंदर बहुत सारे हिडन चीजें देखने को मिल जाता है। और इंफ्रारेड सेंसर है तो इसका जो फेस अनलॉक होगा वो लाइटनिंग फास्ट की तरह काम करता है। मैंने इसको फेस अनलॉक को देखने के बाद मेरा सिर घूम गया है टोटली, तो मैं आपको इसका फेस अनलॉक का डेमो आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम फोन का ओवरव्यू खत्म कर लेते हैं। तो अगर बात करें फोन के पीछे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल लेंस सेटअप देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर और कैमरा के राइट साइड में आपको मिलता है डुअल टोन एलईडी फ्लैश। और फोन के थोड़ा सा नीचे जाएंगे बैक पोर्शन में, तो वहां पर आपको मिलेगा पोको का ब्रांडिंग जिसके नीचे है पोको बाय शाओमी। तो ये शाओमी का सब ब्रांड है, तो आप उसको नोट करिएगा। और अगर बात करें फोन के नीचे की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलता है जिसमें से एक माइक है, एक स्पीकर है और बीच वाला आपका यूएसबी सी टाइप पोर्ट है। और वैसे ही फोन के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम रॉकर्स और उसके नीचे पावर बटन। और फोन के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है सिम ट्रे। और ये जो सिम ट्रे है यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलता है, मतलब आप इसमें या तो दो सिम यूज कर सकते हो या तो एक सिम या एक मेमोरी कार्ड को यूज कर सकते हो। और फोन के ऊपर की अगर बात करें ऊपर के सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.5mm का जैक का पोर्ट आपको देखने को मिलता है। और उसके राइट साइड में आपको मिलता है सेकंड नॉइस कैंसिलेशन माइक और यहाँ पर आपको कोई भी आयर ब्लास्टर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो हमने कर लिया फोन का पूरा ओवरव्यू, तो अब कर लेते हैं फोन को बूट अप। तो फोन जब तक बूट अप होता है तब तक मैं आपको स्क्रीन में इस फोन का क्विक स्पेसिफिकेशन आपको पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सबको देख सकते हो। तो आई होप कि आपने सारे स्पेसिफिकेशन को पढ़ लिया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोन बूट अप हो चुका है। तो फोन बूट अप होने के बाद मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था इस फोन का, वो था इसका पोको यूआई, पोको कस्टमाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो MIUI तो यहाँ पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको टोटली चेंजेस देखने को मिलता है इसके लॉन्चर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI वर्जन फॉर पोको, ये स्पेशली पोको के लिए डिजाइन किया गया है। और आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि MIUI जो है वो मतलब फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपको जितने की फीचर वगैरह कस्टमाइजेशन वगैरह MIUI पर देखने को मिलता है उतना आपको किसी और यूआई पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन उससे बढ़िया इसका पोको लॉन्चर है, पोको कस्टमाइजेशन है। आपको जितना MIUI पे नहीं मिलता है उससे कई ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलता है। मतलब इसमें आपको बहुत ही सारे हिडन फीचर वगैरह, बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू नॉर्मल MIUI फोन। तो आपको अगर उन ट्रिक्स के बारे में जाना है इस फोन को लेकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप चलिए इस फोन के स्टोरेज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है और यहाँ पर हमें फ्री देखने को मिलता है 54.73GB, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर रैम की बात करें तो 6GB में 4.1GB फ्री देखने को मिलता है फर्स्ट बूट पर। और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे फेस अनलॉक की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका फेस अनलॉक बहुत ही इंस्टेंटेनियसली काम करता है, बहुत ही फास्ट है, लाइटनिंग फास्ट आप इसको बोल सकते हो। और ये जो फोन है आपका फेस को इंफ्रारेड सेंसर की मदद से आपके फेस को पूरी तरीके से स्कैन करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम इंस्टेंटेनियसली अनलॉक हो जाता है, एकदम एक सेकंड नैनो सेकंड भी नहीं लगाता है। और आप जब भी पावर बटन को टैप करते हो तो यहाँ पर इसका जो लेजर लाइट इंफ्रारेड सेंसर है ये ब्लिंक होता रहता है। आप चाहे इंडोर कंडीशन पे हो, डे लाइट कंडीशन पे हो, एकदम काला धुंध कंडीशन पर भी हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ये जो फोन है इतनी स्पीडली काम कैसे कर सकता है। मतलब इसका जो फेस अनलॉक वाला फीचर है और ये जो स्पीड है, मतलब ये मेरे दिमाग के बाहर चला गया है दोस्तों, आपको क्या ही बताऊं। और उसी तरीके से आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का CPU, जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट और सबसे फास्ट और सबसे पावरफुल CPU है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक 20,000 के फोन में देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको GPU मिलता है Adreno 630, जैसे कि आप देख सकते हो। और उसी के साथ आपको इस फोन में मिलता है लिक्विड कूलिंग। तो हाजी दोस्तों, एक 20,000 के फोन में आपको लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिल जाता है। तो मैंने इसलिए इस फोन को एंटीटू बेंचमार्क स्कोर पर टेस्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 263,000 के ऊपर इसका स्कोर आया है एंटीटू बेंचमार्क स्कोर। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसमें पब्जी टेस्ट करने के लिए, गेमिंग टेस्ट करने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी इसमें पब्जी टेस्ट कर लिया हूँ और आप मानेंगे नहीं कि पब्जी जो है HDR सेटिंग पर इतना स्मूथली चलता है इस फोन पर और बिल्कुल भी हीटिंग का इशू मेरे को यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो आपको अगर इसका गेमिंग टेस्ट देखना है, 60fps वाला गेमिंग टेस्ट देखना है, पब्जी टेस्ट देखना है इस फोन का, पब्जी खेलने के बाद कितना बैटरी इसका ड्रेन होता है, तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को शूट कर चुका हूँ। मैं बहुत ही जल्द वो वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ मेरे चैनल पर। तो आपको अगर वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको दबा दीजिए, अगर ग्रे है तो सही है, लेकिन अगर लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको आपको दबा के ग्रे कर देना है। और उसके साथ जो नेक्स्ट बेल बटन है उसको क्लिक करके भी रख देना है, ताकि आप देख पाएंगे मेरे जो लेटेस्ट वीडियो आएगा, इसका गेमिंग रिव्यू, हिडन ट्रिक्स वगैरह, कैमरा रिव्यू वगैरह आएगा, तो उन वीडियोस को आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो अब चलते हैं हमारे कैमरा सेक्शन की तरफ, जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं, इसमें आपको एक
फ्लैगशिप लेवल का फीचर भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको AI बेस्ड कैमरा देखने को मिलता है जो कि एक फ्लैगशिप फीचर है। और मैं आपको बताता हूँ इस फोन का जो कैमरा मॉड्यूल है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर के साथ आता है। उसके साथ इसका जो सेकेंडरी डेप्थ सेंसर है वो आता है 5 मेगापिक्सल f2.0 एपर्चर के साथ। तो आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका जो कैमरा है सेम टू सेम रेडमी नोट 5 प्रो की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ मेगापिक्सल आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सेंसर साइज वो बहुत ही बड़ा है। और उसके साथ इसका जो एपर्चर है वो रेडमी नोट 5 प्रो से बहुत ही कम है, जिसकी मदद से यह बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक कर पाता है, बहुत ही शार्प इमेज क्लिक कर पाता है कंपेयर टू रेडमी नोट 5 प्रो। तो आप इसके AI मोड को ऑन करके आप किसी भी अगर सब्जेक्ट के ऊपर अपने कैमरा को रखते हो तो वो अगर AI मोड के अंदर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो वहां पर आपको टी का आइकन या पेड़ पौधे का आइकन या लोगो का आइकन वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ इस फोन के कैमरा में आपको देखने को मिलता है 12 पिक्सल ऑटो फोकस का फोकसिंग सिस्टम, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है कि आपको 20,000 रुपए के फोन में 12 पिक्सल ऑटो फोकस देखने को मिलता है। जो 12 पिक्सल ऑटो फोकस है वो नॉर्मली कैमरा आपको DSLR में देखने को मिलता है, तो आपका जो फोकसिंग स्पीड होगा वो बहुत ही फास्ट होगा कंपेयर टू एनी अदर फोन जिसमें आपको 12 पिक्सल ऑटो फोकस देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको कुछ कैमरा सैंपल आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इसके बैक कैमरा से क्लिक किया गया नॉर्मल मोड पर, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही शार्प और बहुत ही विविड इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विद AI और विदाउट AI कितना ही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ अगर बात करें HDR मोड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो HDR मोड एक में ऑफ है एक में ऑन है, तो डिफरेंस जो है वो आपके हिसाब से आप जज कर लो। और उसके बाद आता है हमारा मेन मोड जो कि है पोर्ट्रेट मोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो पोर्ट्रेट मोड है वो आपको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा जूम करोगे तो बहुत सारे जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हो एजेस जो है वो उतना अच्छे से प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स होने वाला है। और उसी के साथ आप इसके बैक कैमरा से 4K रेजोल्यूशन पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, और वो जो आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा वो होगा 30 FPS पर। लेकिन आप अगर 720p या 1080p में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वहां पर आप 120 FPS और 240 FPS तक भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आपका वीडियो बहुत ही स्लो मोशन कर देता है। तो ये था इसका स्लो मोशन फुटेज। तो आप कुछ इस तरह का स्लो मोशन वीडियो आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर बात करें इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो यहाँ पर आपको EIS देखने को मिल जाता है, जिसको ऑन करने के बाद आप काफी अच्छा स्टेबलाइज वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस फोन से। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि 4K पर आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये था इसका बैक कैमरा। अब चलते इसके फ्रंट कैमरा की तरफ। तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर के साथ। तो इसमें भी आपको लग रहा होगा कि इसका भी फ्रंट कैमरा रेडमी नोट 5 प्रो के फ्रंट कैमरा की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको जो एपर्चर है वो चेंजेस देखने को मिलता है, उससे कई ज्यादा कम एपर्चर आपको देखने को मिलता है। इसका सेंसर साइज बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू रेडमी नोट 5 प्रो। तो इसमें भी आपको बहुत ही शार्प और बहुत ही विविड इमेज देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कितना शार्प इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप रेडमी नोट 5 प्रो से कंपेयर करना चाहते हो तो वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। मैंने इसको रेडमी नोट 5 प्रो के साथ Asus Zenfone 5Z के साथ भी कंपेयर वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो आपको अगर वो कैमरा टेस्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको बहुत ही जल्द वो भी वीडियो देखने वाला है। तो पोको F1 से जितने भी रिलेटेड वीडियो होगा, जितने भी स्पीड टेस्ट वगैरह कैमरा टेस्ट वगैरह होगा, सारे वीडियो आने वाला है। तो स्टे ट्यून रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए, वो वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। तो ये है कुछ कैमरा सैंपल जो कि मैंने इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया है, और ये सारे पोर्ट्रेट मोड है यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर बात करें इसका सेल्फी पोर्ट्रेट मोड की, तो इसके बैक पोर्ट्रेट मोड से काफी शानदार इमेज ये क्लिक करता है, जबकि इसमें डेप्थ सेंसर भी नहीं है, तब भी इसका जो एज डिटेक्शन है वो कंपेयर टू बैक कैमरा से बहुत ही अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और बहुत ही शार्प इमेज ये क्लिक करता है चाहे आप इंडोर में हो या आउटडोर में। तो अगर बात करें इसके कैमरा को लेकर, तो इसके प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैमरा दिया है, मतलब आपको जितना एक्सपेक्टेशन होता है 20,000 रुपए के फोन से, उससे कई ज्यादा आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर इसका कैमरा मिला है। मतलब लगभग 30,000 से 40,000 के फोन में जिस तरह का कैमरा मिलता है, उस तरह का आपको कैमरा इस फोन में भी आपको देखने को मिल जाता है। सो या ये था पोको F1 का अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू वीडियो। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आप पोको F1 को लेने वाले हो या नहीं, और आपको गेमिंग टेस्ट वगैरह आप देखना चाहते हो या नहीं वो भी कमेंट कर देना। और उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि 20,000 रुपए में 845 मिल रहा है स्नैपड्रैगन। तो जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं उनके पास उतना बजट नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फोन होने वाला है। तो आप जरूर से इस वीडियो को अपने फैमिलीज के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है। तो उसके बाद का यही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलने वाला हूँ बहुत ही जल्द एक और एक न्यू पोको F1 के वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। तो टाटा बाय बाय, पीस आउट।